आइए हम देखते हैं कि क्रमागत पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास की गणना करते हुए क्रियात्मक प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी खाते का शेष 8 लाख रुपए था। 1 जनवरी 2016 को 1 अप्रैल 2013 को 1,20,000 रुपए में खरीदा हुआ मशीन 50,000 रुपए में बेच दिया। इस तिथि को एक दूसरी मशीन 32,000 रुपए में क्रय की गई। फर्म द्वारा मूल लागत पद्धति पर 15% वार्षिक ह्रास लगाया जाता है तथा खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। वर्ष 2016 एवं 17 के लिए मशीन खाता एवं ह्रास प्रावधान खाता तैयार कीजिए, साथ ही मशीन के विक्रय हेतु जनरल प्रविष्टियां दीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर मशीनरी परचेस की है 1 अप्रैल 2016 को, ये बैलेंस है। उसके पहले जो हमने मशीनरी परचेस की थी उसका बैलेंस हमको मिल रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2016 को एक मशीन हमको बेचना है जो कि हमने 1 अप्रैल 2013 को खरीदा था, और उसी तिथि को फिर हमने एक और मशीन खरीदी है 32,000 रुपए में। 3 मशीनरी है यहाँ पर हमारे पास, बैलेंस और न्यू मशीनरी परचेस मिलाकर। हमको डेप्रिसिएशन यहाँ पर 15% पर एनम से कैलकुलेट यहाँ पे करना है और 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे वहां पर हम मशीनरी परचेस करेंगे, मशीनरी सेल करेंगे, फिर जिस मशीनरी को हमने सेल किया है उस पर कुछ डेप्रिसिएशन होगा, उस पर कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, तो उसकी कैलकुलेशन भी हमको यहाँ पे करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट या फिर लॉस मशीनरी के लिए, तो किस तरह से हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमको देखना है कि हमने कौन सी मशीनरी सेल की है। हमने वो मशीनरी सेल की है जो 1 अप्रैल 2013 को 1,20,000 में खरीदा गया था, उसको हमने बेचा है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 अप्रैल 2013 की 1,20,000 की कोई मशीनरी शो तो हो नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे ये हमको मालूम है कि ये जो बैलेंस घटते घटते 2016 तक आया है उसमें ये मशीन शामिल है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2013 देखना है कि क्या है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में मिल रहा है 1,20,000। अब 13, 14, 15 और 16 में हमको इसको सेल आउट करना है, तो 4 साल तो ये मशीन हमारे पास रही। तो हम इसको अकाउंट ना बनाकर या जनरल अभी पास ना करके इसकी हम कैलकुलेशन के आधार पे ही हम इसको पता लगा लेंगे कि मशीनरी को सेल करने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले कॉस्ट हमने लिखी मशीनरी की 1,20,000 और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया हमने। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन 15% है, तो यहाँ हमको देखना है कि 1,20,000 की मशीन जो 1 अप्रैल 2013 में खरीदी गई उसमें अगर हम 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 1,20,000 का 15%, तो फर्स्ट ईयर का यानी कि 2013 का डेप्रिसिएशन आता है 18,000, फिर 2014 का डेप्रिसिएशन आता है 18,000, फिर प्लस कर देंगे हम 2015 का डेप्रिसिएशन फिर से 18,000, क्योंकि हम यहाँ पर अभी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से चल रहे हैं, और उसके बाद 16 में जो डेप्रिसिएशन है ये कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इस मशीन को हमने 1 जुलाई को ही सेल कर दी, यानी कि जनवरी टू जून 6 मंथ ये मशीन हमारे पास थी और उसके बाद हमने इसको सेल कर दिया। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2016 को ये मशीनरी सेल की, यानी कि 3 मंथ के बाद ये मशीन सेल कर दी गई। अप्रैल, मई और जून 3 महीने तक ये मशीन हमारे पास रही और फिर उसको हमने सेल कर दिया। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन होगा 2016 के लिए वो केवल 3 मंथ के लिए होगा, यानी 18,000 जो डेप्रिसिएशन है वो वन ईयर के लिए है। तो 3 मंथ का हम इसमें से निकाल लेंगे 18,000 × 3/12, यानी 4,500 हमने यहाँ पर 2016 के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। अब टोटल डेप्रिसिएशन अगर हम 4 साल का खाता बनाते, मशीनरी अकाउंट अगर हम बनाते, तो 18,000 फॉर 2013, 18,000 फॉर 2014 और फिर से 18,000 फॉर 2015 और 2016 के लिए 4,500, यानी टोटल 58,500 का डेप्रिसिएशन अभी तक लगा रहता। कितने की मशीनरी में? 1,20,000 की मशीनरी में। तो 1,20,000 की मशीनरी में अगर हम
पूरा डेप्रिसिएशन 3 साल 3 महीने का डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 58,500 ये डेप्रिसिएशन आ जाता है। 1,20,000 में से 58,500 अगर हम माइनस कर दें तो 61,500 इसका यहाँ पर बैलेंस आ जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि 61,500 की मशीनरी 50,000 में सेल कर दी गई, यानी कि 11,500 का हमको यहाँ पर लॉस हुआ है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी हमने कैलकुलेट कर दी। तो यहाँ पर हमने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी की कैलकुलेशन कर ली। अब इसके बाद हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर। तो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले हम 8 लाख का बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, जो कि हमको 2016 में दिया गया है टू बैलेंस बीडी 8 लाख रुपीज, और इसको हम इसमें से हमको 61,500 अलग कर देना है 8 लाख रुपीज में से। क्यों? क्योंकि हमने 61,500 की मशीनरी को सेल किया है, तो कहीं ना कहीं हमको ये पता रहना चाहिए कि जो हमारे पास बैलेंस था मशीनरी का 8 लाख का, इसमें से कितने की मशीन सेल हो गई है। तो 61,500 की मशीनरी इसमें से सेल हो गई है, यानी कि 7,38,500 की मशीनरी हमारे पास बची है। तो इसको हम चाहे तो यहाँ पर प्लस करके अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 7,38,500 प्लस 61,500। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2016 में एक मशीनरी हमने परचेस की है। कब परचेस की है? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, और 32,000 की मशीनरी है तो 32,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 2016 का अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम उस मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे जिसको कि हमने सेल कर दिया। तो आपने देखा कैलकुलेशन में कि डेप्रिसिएशन कितना हमने कैलकुलेट किया था, 58,500। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 2016 जुलाई 1st टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 58,500। फिर 1 जुलाई को हमने एक मशीनरी सेल कर दी। तो जब हम मशीन बेचेंगे तो हम जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट पे कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और अगर हम याद रखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेल ऑफ मशीनरी 50,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस भी हमको देखना है कि अगर प्रॉफिट होता है तो वो तो क्रेडिट बैलेंस से डेबिट में आएगा, और अगर लॉस होता है तो डेबिट बैलेंस से क्रेडिट में आएगा। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन जब की थी तो हमने देखा था कि हमको लॉस आ रहा है। कितना लॉस आ रहा है? 11,500 का लॉस आ रहा है। तो 11,500 हम लॉस में लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। और अब हम देख रहे हैं कि हमको बैलेंस क्या मिल रहा है। तो बैलेंस हमको मिल रहा है डेबिट साइड में 8,32,000, और क्रेडिट में से हम 58,500, 50,000, 11,500, ये तीनों अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमको बैलेंस कैरिड डाउन मिल जाएगा 7,12,000। और इस तरह से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट 8,32,000 से यहीं क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है उसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड में। तो 2016 1 जुलाई टू मशीनरी अकाउंट हमने 58,500 जो फाइंड आउट किया था नोट्स बना के, वो हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि बीक्यूए मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। यहाँ पर हम 2016 में देख रहे हैं अप्रैल 1st को कि बैलेंस हमने जो ट्रांसफर किया है उसमें 3,10,000 का यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, प्लस डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन मशीनरी सोल्ड आफ्टर 3 मंथ जब हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, तो यहाँ पर हमने देखा कि 4,500 ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। और उसके बाद 16 का जो अकाउंट है वो यहाँ पर, और फिर इस डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन करना है, तो हमको 2016 में हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे 3,61,600 से, और डेप्रिसिएशन हमको जो कैलकुलेट करना है वो हो जाएगा हमारा जो बैलेंस अमाउंट है 6,80,000 इंटू 15/100। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,02,000, और 32,000 की जो मशीनरी है उस पर हमको बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो ये अमाउंट हमारे हो जाएगी 32,000 इंटू 15%। और ये क्योंकि 9 मंथ के लिए हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि 1 जुलाई को हमने ये मशीनरी परचेस की थी, तो 3,600 ये हमको मिल जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि हमको डेप्रिसिएशन के बहुत सारे पॉइंट मिल गए हैं, अगर हम इनके जनरल एंट्री करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट हमने जब मशीनरी अकाउंट बनाया तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने प्रोविजन किया है 58,500 का, उसके लिए भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हमने
बैंक में लिखा है, जो जितने भी हमने मशीनरी सेल की है वो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। तो ये जितनी चीजें मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में है उसके लिए हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 58,500 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 11,500 से, एंड टू मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1,20,000 से। नरेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बीइंग द मशीनरी सोल एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 जनवरी 2016 को एक मशीन 20,400 रुपये में खरीदी गई। उसे फैक्ट्री तक लाने एवं लगाने के लिए 600 रुपये व्यय किए गए। इस मशीन पर घटती किस्त पद्धति के अनुसार 10% कटौती करने का प्रावधान किया गया है। पहले 3 वर्ष के लिए मशीनरी खाता बनाइए। ऑन 1 जनवरी 2016 मशीन वॉज परचेज फॉर ₹20,400 and ₹600 were spent on its carriage and fitting. It is decided to provide annual depreciation at the rate of 10% on reducing balance method. Prepare machinery account for first 3 year. यहाँ पर एक मशीन हमने खरीदी 1 जनवरी 2016 को 20,400 में। उसको लाने और स्टेब्लिश करने में 600 एक्सपेंस हो गए। और यहाँ पर हमको 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना है और घटती शेष पद्धति यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले जब हम मशीन खरीदेंगे तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम मशीनरी खरीदते हैं तो हम जनरल एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश खरीदते हैं हम। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1 जनवरी 2016, और टोटल अमाउंट हम लिखेंगे 20,400 प्लस 600 करके 21,000 रुपीज। अब जबकि हमको इसको इस पे 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 21,000 का 10% यानी 2,100। तो 20,400 की मशीनरी हमने खरीदी है, डेबिट में हमने इसकी एंट्री कर दी है, क्रेडिट में हम इसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और क्योंकि हम 1 जनवरी को ओपन कर रहे हैं इस अकाउंट को, तो 31 दिसंबर को हम इसको क्लोज करेंगे। तो क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले डेट डालेंगे 31 दिसंबर 2016, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,100, और फिर हम यही पे इसको क्लोज कर देंगे और इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। और जब हम इस पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो फर्स्ट ईयर यानी 2016 का ये बैलेंस हो जाएगा 18,900, और 2016 के इस बैलेंस को हम क्लोजिंग बैलेंस को हम 2017 का ओपनिंग बैलेंस मानकर 2017 में ट्रांसफर कर देंगे। तो डेबिट साइड में 2017 में हम सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और 18,900 बैलेंस हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर से हमने कोई मशीनरी परचेस नहीं की है, और यहाँ पर जब हम 31 दिसंबर को इस बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो अब क्योंकि हम घटती किस्त पद्धति में पहुंच गए हैं, तो ये जो हमारे 2017 का जो घटा हुआ मूल्य था उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10% पर एनम। तो 18,900 का 10%, क्योंकि ये घटा हुआ मूल्य है इस पर ही अब हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 18,900 का 10% यानी कि 1,890 यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और बैलेंस जब हम निकालेंगे तो 18,900 में से माइनस करेंगे हम 1,890, और यहाँ पर हमको 2017 के लिए क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 17,010 रुपीज। अब क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है 2017 का, इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे टोटल 18,900 से, और 17,010 को जब हम 2018 में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1,701 इसका डेप्रिसिएशन, और 17,010 में से हम माइनस कर देंगे 1,701, तो ये बैलेंस हमको मिल जाएगा थर्ड ईयर में 15,309 रुपीज। एक फर्म ने 2 लाख रुपए में एक मशीन क्रय की जिसमें 20,000 रुपए का एक बॉयलर भी शामिल था। गत वर्षों में मशीन खाते में 10% घटती किस्त पद्धति से मूल्यह्रास लगाया गया। 5वें वर्ष बॉयलर बेकार हो गया, जिसे 4,000 रुपए में बेच दिया गया। 5 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। अ फर्म परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹2 लाख विच इंक्लूडेड अ बॉयलर कॉस्टिंग ₹20,000। Depreciation has been written the machinery on reducing balance method for the last 4 year
एट द रेट ऑफ 10%. ड्यूरिंग द करेंट ईयर फिफ्थ ईयर द बॉयलर सोल्ड एट ₹4,000. राइट ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑफ 5 ईयर. इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक बॉयलर सहित एक मशीनरी परचेस की गई है, ₹1,00,000 की मशीनरी है और बॉयलर इसमें इंक्लूड है. इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्योंकि हमको मशीन और बॉयलर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉयलर जो है वो मशीनरी में शामिल है, इंक्लूड है, तो और पांचवें वर्ष के अंत में हमको बॉयलर को बेचना है, तो वहां पर पांचवें वर्ष के अंत में हमको बॉयलर पे प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अपनी सुविधा के लिए हम शुरू से ही बॉयलर को मशीन में से अलग कर देते हैं, यानी कि हम 2 लाख की मशीनरी में से 1,80,000 की मशीनरी मान लेते हैं और प्लस 20,000 बॉयलर की वैल्यू मान लेते हैं. तो यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर से ही 1,80,000 प्लस 20,000 लिखेंगे टू कैश अकाउंट और टोटल 2 लाख यहाँ पर हम लिख रहे हैं. और उसके बाद जब फर्स्ट ईयर का अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन भी अलग अलग लिखेंगे. जो मशीनरी 1,80,000 की है उसका 10% डेप्रिसिएशन 1 ईयर का 18,000 होगा और जो बॉयलर 20,000 का है उसका 1 ईयर का डेप्रिसिएशन 10% 2,000 का होगा, यानी कि टोटल 20,000 हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हम एट द एंड ऑफ द ईयर, चाहे वो 31 मार्च हो या दिसंबर, हम यहाँ पर 31 दिसंबर मान लेते हैं कैलेंडर ईयर से, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हम 1,80,000 की मशीनरी में से 18,000 का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो यहाँ हमारा बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1,62,000 और 20,000 की जो मशीनरी है उसमें से 2,000 यानी 20,000 का जो बॉयलर है उसमें से 2,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 18,000 का हमारा यहाँ पर बैलेंस हम शो कर रहे हैं. यहाँ पर ये जो 1,62,000 है और 18,000 है ये दोनों मिलकर बैलेंस हो जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर के. और फिर जब हम फर्स्ट ईयर का अकाउंट 2 लाख से क्लोज कर देंगे तो यही जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस यही नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. और ये जो ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं 1,62,000 एक मशीनरी का और इसमें जो इंक्लूड था बॉयलर उसका बैलेंस है 18,000 और टोटल यहाँ पर हम 1,18,000 यहाँ पर बैलेंस हमने ट्रांसफर किया है. और फिर सेकेंड ईयर के एंड में 31 दिसंबर को हम फिर से बैलेंस और डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं, घटती किस्त पद्धति यूज कर रहे हैं, तो हमको हर साल नया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. हर साल जो हमारा रिड्यूस होकर जो वैल्यू आई है मशीन की उस वैल्यू पे हमको फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10% पर एनम से. तो यहाँ पर जो मशीनरी 1,62,000 की है उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10% 16,200 और बॉयलर जो कि अब 18,000 का हो गया है उसका 10% डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,800. तो यहाँ पर टोटल यहाँ हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो आ जाता है 18,000. अब इस डेप्रिसिएशन में से हम बैलेंस माइनस करेंगे तो हमारा हमारी जो फर्स्ट मशीन है 1,62,000 की इसमें से हम 16,200 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस आ जाता है बाय बैलेंस बीडी 1,45,800. ये फर्स्ट मशीनरी के लिए जिसका बैलेंस था 1,62,000 इसमें से हमने माइनस किया 16,200. दूसरी जो मशीनरी है यानी कि बॉयलर है वो 18,000 का है इसमें से हम 1,800 माइनस कर देंगे तो ये 16,200 बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है जिसका टोटल हम यहाँ पे देख रहे हैं 1,62,000. तो हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे. अब इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैलेंस जो है थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस वो मशीनरी का है 1,45,800 और बॉयलर का है 16,200. टोटल बैलेंस यहाँ पे हमको मिल रहा है 1,62,000. अब इस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं फिर से तो 1,45,800 का 10% डेप्रिसिएशन हो जाता है हमारा 14,580 और 16,200 का हमारा डेप्रिसिएशन हो जाता है 1,620 यानी टोटल डेप्रिसिएशन हो जाता है हमारा 16,200. अब हम 31 दिसंबर को यहाँ पर बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट मशीनरी जो है 1,45,800 की इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 14,580 तो ये बैलेंस हमारा बनता है 1,31,220 और बॉयलर जो है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर वो है 16,200
इसमें हम 1620 अगर माइनस कर दे तो 14580 हम यहाँ पर बैलेंस हमको मिल जाएगा, यानी थर्ड ईयर के एंड में टोटल बैलेंस हमको मिलता है 1,45,800, जिसको कि हम फोर्थ ईयर में ओपनिंग बैलेंस मान के ट्रांसफर करेंगे और ये हो जाएगा फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में टू बैलेंस 1,31,220 और बॉयलर का बैलेंस हो जाएगा 14,580, यानी टोटल ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1,45,800। अब हम फोर्थ ईयर के एंड में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं और जो मशीनरी है बॉयलर है उसकी रिड्यूस वैल्यू जो है वो है 1,31,220, इसका 10% डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे 13,122 और 14,580 की जो वैल्यू है उसका जो डेप्रिसिएशन है वो है 1,458। तो ये जो बैलेंस है टोटल है वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 14,580 और अब इसके बेस पे जब हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,31,220 में 13,122, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा 1,18,098। और बॉयलर के लिए बॉयलर की वैल्यू जो ओपनिंग वैल्यू थी वो है 14,580, इसको हम माइनस कर देंगे 1,458 में से तो ये बैलेंस आ जाएगा हमारा 13,122, यानी हमारा टोटल क्लोजिंग बैलेंस फोर्थ ईयर के एंड में हो जाता है 1,31,220। इस क्लोजिंग बैलेंस को जब हम फिफ्थ ईयर में ट्रांसफर करेंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा मशीनरी के लिए 1,18,098 और बॉयलर के लिए 13,122, यानी टोटल बैलेंस आ जाएगा हमारा टोटल ओपनिंग बैलेंस 1,31,220। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पांचवे वर्ष में बॉयलर बेकार हो गया, इसका मतलब है कि पांचवे वर्ष के प्रारंभ में ही बॉयलर बेकार हो गया, यानी यहाँ पर हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको बस ये देखना है कि 13,122 रुपीज ओपनिंग बैलेंस था, इस वैल्यू के बॉयलर को हमने 9,122 में सेल कर दिया, यानी कि ये जो बॉयलर है इस पर लॉस हो रहा है हमको 9,122 का, जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे। अब बॉयलर तो हमने सेल कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट कर दिया, अब हमारा जो एडिशनल एक मशीनरी जो बॉयलर के साथ जुड़ी हुई थी उसकी वैल्यू है 1,18,098, अभी भी ये मशीनरी फॉर्म में है तो इसका हमको एक साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 1,18,098 का एक साल का 10% डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे 11,810 और बैलेंस अगर हम निकालेंगे यानी 1,18,098 में बॉयलर पर जो डेप्रिसिएशन आता है 11,810, इसको माइनस करेंगे तो हमको बैलेंस मिलेगा 1,06,288 और टोटल इसको हम करते हैं तो ये जो हमारा फिफ्थ ईयर का अकाउंट है ये क्लोज हो जाता है 1,31,220 से। तो बच्चों आपने इस पूरे अध्याय में देखा कि मूल्यह्रास क्या है, इसके कौन कौन से विशेषताएं हैं, क्यों जरूरी है एक फर्म के लिए डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना। आपने देखा कि एक फर्म कितने सारे फिक्स एसेट्स यूज करता है जब वो कोई व्यापार करती है। इस कंडीशन में अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना किया जाए, डेप्रिसिएशन के लिए फंड रिजर्व ना किया जाए, तो एक समय के बाद फिर वैसे ही एसेट्स, वैसे ही मशीनरी फर्नीचर या बहुत सारे फिक्स एसेट्स को वापस परचेस कर पाना कहीं ना कहीं बहुत कठिन हो जाएगा। ये तो रही मूल्यह्रास की गणना की बात। फिर आपने देखी, ये तो रही मूल्यह्रास क्यों जरूरी है ये जानना। फिर आपने देखा कि बहुत सारे मेथड्स में से यहाँ हम दो मेथड्स का प्रयोग करते हैं, स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति। इन पद्धतियों की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे गुण दोष हैं, किस तरह से हमको इसको अप्लाई करना है, अलग अलग तरह के प्रश्नों में अलग अलग तरह के फॉर्मूलों को यूज करते हुए इन दोनों विधियों का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे अध्याय में हमने मूल्यह्रास के विषय में काफी व्यापक जानकारी प्राप्त की।